नमस्कार फ्रेंड्स, दो दिनों के बाद ग्रहों की गोचरीय स्थिति में बहुत जबरदस्त परिवर्तन होने वाला है। और जैसे ही ये परिवर्तन होगा, जो लगभग 18 अगस्त तक रहने वाला है, और इसके प्रभाव क्षेत्र में जो राशियां आने वाली हैं, वो राशियां जो पूर्व दिशा में स्थिर अवस्था में रहती हैं, जो पूर्व दिशा में हमेशा गमन करती हैं, वो राशियां काल पुरुष की बहुत जबरदस्त तरीके से प्रभावित होंगी, क्योंकि उन दिशाओं में या इस दिशा में जो पूर्व दिशा में ग्रहों का बहुत बड़ा जमावड़ा होने वाला है। लगभग 5 से 6 ग्रह जो है, अगर हम चंद्रमा को भी ले लें, तो 5 से 6 ग्रहों का जो गोचर है वो पूर्व दिशा में स्थित राशियों में होने वाला है। अग्नि तत्व की ये राशियां हैं, और इन 3 राशि वालों को, जैसे मैंने पहले कहा, 18 अगस्त तक बहुत जबरदस्त लाभ की स्थितियां बनेंगी। कुछ नया करने का, कुछ परिवर्तन होने का, कुछ जीवन में कुछ जो खो गया है वो वापस मिलने का, संबंधों में सुधरने का, कष्ट क्लेश से निवृत्त होने का, लक्ष्मी प्राप्ति का योग बन रहा है। और योग बनता है, परंतु उस योग को प्राप्त करने के लिए आपके पास पात्र होना चाहिए, उसे ग्रहण करने की क्षमता भी आपकी जन्म कुंडली में होनी चाहिए। उस तभी आपको इन जो गोचरीय स्थिति होती है या राजयोग जिनको कहा जाता है, उसका प्रभाव तभी मिल पाता है अगर आपकी जन्म कुंडली में भी उसको प्राप्त करने की क्षमता हो। अन्यथा इस समय जो बच्चे पैदा होंगे उनकी जन्म कुंडली में ये योग बहुत प्रबल तरीके से देखा जाएगा, और जीवन में बहुत ज़्यादा तरक्की वो करते हुए नजर आएंगे। तो अग्नि तत्व की ये राशियाँ हैं, पूर्व दिशा में ये गोचर करती हैं, इन 3 राशियों वालों को बहुत जबरदस्त लाभ मिलेगा। इसकी चर्चा मैं वीडियो में करूंगा, और वीडियो को आरंभ करूं उससे पहले आपसे वही आग्रह है, जो लोग मेरे चैनल में नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, एक बेल आइकन है उसे प्रेस कर दें, और हो सके तो वीडियो को शेयर कर दें। चलिए मुड़ते हैं विषय की, और विषय में सबसे पहले जो प्रबल राशि है, जिस राशि पे इसका बहुत जबरदस्त प्रभाव आ रहा है, वो है मेष राशि या मेष लगन। मेष राशि वालों के लगन में जो है गुरु और राहु बैठे हुए हैं, अग्नि तत्व की राशि है, पूर्व दिशा की राशि है। दूसरी पूर्व तत्व की राशि जो है वो है आपके पास सिंह राशि, जो इसके पंचम भाव में आती है। तो सबसे पहले जो मेष राशि वालों को जो प्रभाव यहाँ पर मिलने वाला है, और सिंह राशि में भी आप देखिए कम से कम 3 या 4 ग्रहों का जमावड़ा होने वाला है। शुक्र, मंगल, बुध और चंद्रमा भी गोचर करते हुए वहां जाएंगे। तो कुल मिलाकर 6 ग्रह जो है आपकी जन्म कुंडली में पूर्व दिशा में इस समय है, और ये जो पूर्व दिशा है आपकी बहुत महत्वपूर्ण हाउसेस को रिप्रेजेंट कर रही है। पंचम और लगन, इन दोनों भावों का यहाँ पर मिलन है, और इन दोनों ही भावों को जो आपस में जोड़ने वाली जो कड़ी है, जो ग्रह है, वो है पूर्व दिशा में स्थापित ग्रह या अग्नि तत्व की राशि में स्थित ग्रह। तो उसकी वजह से जो जीवन में कहीं ना कहीं बहुत जबरदस्त ऊर्जा का प्रभाव आपके देखने को मिलेगा, और ये जो ऊर्जा है ये आपको आपके काम को सिद्ध करने के लिए शक्ति देगी। पंचम भाव मंत्रणा शक्ति की सिद्धि होती है, सिद्धि होती है कार्य में, जो करने का, जो व्यक्ति को करने का तरीका होता है वो बहुत जबरदस्त होता है, और व्यक्ति अपना कार्य कंप्लीट करके आता है, या उसमें वो सिद्धि प्राप्त कर लेता है, या वो उसमें ऐसी दक्षता प्राप्त कर लेता है कि उसका कार्य हमेशा फिर कंप्लीट हो जाता है। तो वही कुछ स्थितियां आपके लिए बनी हुई हैं इस समय। जो भी काम आप करेंगे 18 अगस्त तक लगभग मेष राशि और मेष लगन वाले, उस काम में आप इतनी मास्टरी कर लेंगे कि वो काम आपके पूर्ण रूप से सिद्ध होते हुए नजर आएंगे। पंचम भाव संतान का भाव होता है, लॉटरी, शेयर मार्केट या इस तरह का पैसा, जो अचानक पैसा कहीं से मिलता है, जो हमारी कुशाग्र बुद्धि के दम पर मिलता है, वो कुछ पैसा आपको यहाँ प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। उसके अलावा लगन भी बहुत बली हो रखा है आपका, लगन को भी, पूर्व दिशा के बृहस्पति को भी इस समय जो है वो 4 अन्य ग्रहों का साथ मिलेगा। तो इस समय मान सम्मान की प्राप्ति आपको बहुत जबरदस्त तरीके से होने वाली है, और मान सम्मान का मतलब होता है व्यक्ति जो है वो चाहे रोजगार में आगे बढ़ता है, नौकरी में उसको प्रमोशन मिलती है, कोई इंक्रीमेंट लगता है, या धन संबंधी मामलों में, ये आपके लिए बहुत अच्छा समय चल रहा है इस समय मेष राशि और मेष लगन वाले। दूसरी राशि या लगन जिसकी मैं बात करूंगा, वो भी आपका जो है वो पूर्व दिशा में निर्धारण करने वाली राशि है, वो है सिंह राशि और सिंह लगन। और सिंह राशि और सिंह लगन में जो पूर्व दिशा में
दो भाव जो इनके एक्टिवेट होने वाले हैं वो है नवम स्थान, भाग्य स्थान और लगन। तो लगन और नवम भाव जो है इनका बहुत जबरदस्त योग इस समय सिंह राशि और सिंह लगन वालों को देखने को मिलेगा। तो अब आपके भाग्य में आप देखिएगा, आपके भाग्य में स्थित जो गुरु है उसको चार अन्य ग्रहों का बल भी मिलेगा। ये बल बहुत जबरदस्त तरीके से काम करेगा भाग्य का, क्योंकि साथ मिलेगा। जब व्यक्ति को भाग्य का साथ भी मिल जाता है, ग्रहों का दम भी उसके साथ है, और अगर उसका प्रयास भी पूर्ण रूप से उस दिशा में चल रहा है, तो कार्य स्वतः सिद्ध हो जाते हैं। हर चीज आपके लिए जो है वो फेवर बनी हुई है। तो पूरी कायनात आपके पीछे इस समय लगी हुई है कि आपका जो है वो जीवन उन्नतिमय हो और तरक्की आप जीवन में करें। सिंह राशि और सिंह लगन वालों के लिए भी बहुत जबरदस्त समय है। आपका भी मान सम्मान रुतबा समाज में बढ़ता हुआ नजर आएगा। नौकरी व्यवसाय, काम धंधे की बात करूं, रोजगार की बात करूं, व्यापार की बात करूं, उस सभी कार्यों में आप तरक्की करते हुए नजर आएंगे। और आपका भाग्य स्थान का बलि होने का मतलब है कि धर्म के दम पर और आपके पूर्वार्ध में जो आपने पुण्य कर्म किए होंगे उनका शुभ प्रभाव लिए हुए ये समय आपको हर चीज दिलाता हुआ नजर आएगा। तीसरी राशि या लगन जिसकी मैं बात करूंगा वो है धनु राशि, धनु लगन। ये भी पूर्व दिशा में स्थित राशि है और यहाँ पर इनको जो है वो पंचम और नवम भाव के पूर्ण रूप से प्रभाव मिलेंगे, क्योंकि धनु राशि में इस समय जो है वो आपका पंचम भाव में गुरु गोचर कर रहे हैं और आपके नवम स्थान भाग्य स्थान में ग्रहों का योग बनने वाला है। तो इस तरह से आपका पंचम और नवम स्थान भाग्य और नवम स्थान का योग बनेगा। दो त्रिकोण भावसेस का संबंध पूर्व दिशा में अग्नि तत्व की राशियों में आपके साथ बनेगा, तो आपके लिए भी बहुत उत्तम राजयोग की स्थिति बनी हुई है। उस राजयोग की वजह से जो है आपके कार्य में, व्यवसाय में, रोजगार में पैसा कमाने के अवसर आपको पूर्ण रूप से मिलेंगे। जो लोग कला के क्षेत्र से जुड़े हैं उनके लिए भी बहुत ही जबरदस्त समय चल रहा है। गुरु का पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त होगा, तो इसलिए जो दाम्पत्य संतान प्राप्ति के लिए प्रयासरत हैं तो संतान प्राप्ति का बहुत जबरदस्त अच्छा इस समय समय चल रहा है 18 अगस्त तक। उसके अलावा अगर मैं बात करूं उच्च अध्ययन के लिए, विदेश जाने के लिए, कोई पढ़ाई से संबंधित काम करना चाहते हैं, मंत्र सिद्धि करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी बहुत ज़बरदस्त ये समय चल रहा है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय ये इस समय है। जो भी प्रयास वो पढ़ाई कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में करते हैं धनु राशि और धनु लगन वाले, उस प्रयास में उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी। बहुत अच्छा आपके लिए भी ये गोचर कुछ दिनों के लिए जो है वो होकर के आएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो दिन है 18 अगस्त तक, इन तीन राशि और लगन वालों के लिए विशेष तौर पर लाभ की स्थितियाँ बनाएंगे। अग्नि कोण में ये सभी हो रहा है तो आपको थोड़ा सा अपने पेट का, आपके बैकबोन का, हिप रीजन का और सिर संबंधी जो शिकायत दर्द हैं या आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम्स है, इन संबंधी विषयों में थोड़ी सी सावधानी बरतनी है स्वास्थ्य संबंधी। अन्यथा ये जो है बाकी सभी विषयों में आपको पूर्ण रूप से ये गोचर लाभ दिला करके जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।